जिस जमात के नैरेटिव को वो बेहतर समझें, लेकिन आप देख रहे हैं कि चीजें बिल्कुल उलट उसके चल रही हैं और इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि पंजाब उसमें देखें पीटीआई के वर्कर्स के साथ ज्यादती हो रही है, लीडरान के साथ ज्यादती हो रही है और हालात इस तरह के बनाए जा रहे हैं कि जिस तरह एक जमात को दीवार के साथ लगाया जा रहा है और ये उसी तरह है कि जैसे दो बॉक्सर रिंग में उतरे और एक क्या बाजू भी बांध दें और टांगे भी बांध दें और दूसरे के ग्लव्स पहना के और आप कहें कि आप मुकाबला करें, लेकिन हम इन बातों के बावजूद भी इस काम के लिए तैयार हैं। जिसको ये हसरत है कि मियां नवाज शरीफ नहीं आए, बेशक मियां नवाज शरीफ भी आए, अवाम में वो भी जाएं, देखें अवाम उनका क्या इस्तकबाल करती है, हमारे जो चेयरमैन हैं वो भी जाएं और लोगों को डिसाइड, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, लेट द पीपल ऑफ पंजाब डिसाइड। अब आखिर में मैं आपसे दो बातें और भी करना चाहूंगा कि ये जो कहते हैं कि जी हमें बहुत अफसोस है इस बात का कि इलेक्शन इकट्ठा होना चाहिए, पंजाब का अलहदा ना हो, तो भाई अगर आपको ये इतना ही ज्यादा अफसोस है तो आपके ना 5 साल रह गए, ना 6 महीने रह गए, ना 10 महीने रह गए, ये मई चल रहा है, आगे जून जुलाई अगस्त, 3 महीने में ऑटोमेटिकली आप अपनी एज पूरी कर जाएंगे और ये असेंबलीज टूट जाएंगी, उसके बाद तो आपने हर हालत में इलेक्शन कराना है, तो आप पीछे रह क्या गए 2-2.5 साल, और 2-2.5 साल अगर पूरे पूरे 1 साल में जो 2-2.5 महीने रह गए और जो आपने पूरे 1 साल में जो अवाम को रिलीफ दिया है और जितनी अवाम आपसे खुश है, क्या आप उस वजह से मतलब इलेक्शन में नहीं उतरना चाह रहे या इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहे? तो बात यह है कि आप सीधे सीधे इलेक्शन कराएं और ये गलत बातें मत करें कि हम इकट्ठे कराना चाहते हैं। तो अगर इकट्ठे कराना चाहते हैं, पीडीएम वाले हर बंदे के मुंह से ये बात निकल रही है, तो करवाएं। 2 महीने की तो बात है, आए 2 महीने, आप कुछ आगे आ जाएं, कुछ हम पीछे आ गए और इलेक्शन हो जाए। तो इस तरह का अवाम को गुमराह मत करें, हम सियासी लोग हैं, हमें अवाम में जाने से घबराना नहीं चाहिए। और आज आखिर पे मैं ये भी कहूंगा कि आज मैं एक लेटर मैंने लिख दिया है चीफ मिनिस्टर पंजाब के खिलाफ, जिस तरह चीफ मिनिस्टर पंजाब काम कर रहे हैं, वो अभी आप मीडिया के और आप दोस्तों को दे भी देते हैं, जिस तरह चीफ मिनिस्टर पंजाब वो किसी हिसाब से गैर जानबदाराना काम नहीं कर रहे, वो तो इस तरह काम कर रहे कि जिस तरह वो 1.5-2 साल के लिए आए। कल मैं टीवी पे देख रहा था कि उन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की वो मीटिंग्स कर रहे हैं, डेवलपमेंट स्कीम्स दे रहे हैं, बजट बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। आप तो 90 दिन के लिए आए थे और सिर्फ इस काम के लिए आए थे कि आप इलेक्शन कराएंगे, लोगों को फ्रेश मैंडेट देने दें, और आप घबराते क्यों हैं? तो आर्टिकल 230 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 की प्योरली वॉयलेशन हो रही है। इस पे हमने चीफ मिनिस्टर साहब को एक लेटर लिखा है जो अभी आपके साथ शेयर भी करते हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब को मैंने लेटर लिखा है एज स्पीकर पंजाब असेंबली और उनको याद करवाया कि आपकी पुलिस जो है वो विक्टिमाइज कर रही है पीटीआई के लोगों को, पीटीआई के सीनियर क्यादत को, जूनियर क्यादत को, वर्कर्स को, आपकी एस्टैब्लिशमेंट, आपकी एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट जो है, या इस तरह के जितने इदारे भी आपके हैं, जो आज तक जो पुराने केसेस थे वो धड़ाधड़ फाइल होते जा रहे हैं, नए केसेस बनते जा रहे हैं, ये आप कॉन्स्टिट्यूशन की वॉयलेशन कर रहे हैं, बराए मेहरबानी ये मत करें और आपको आईन इस चीज की इजाजत नहीं देता। और इसकी कॉपी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी भेज दी है, गवर्नर पंजाब को भी भेज दी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान इस्लामाबाद को भी भेज दिया है कि वो चीफ मिनिस्टर साहब को रिस्ट्रिक्ट करें और वो अपने एम्बिट में, अपने दायरे में रहते हुए काम करें और रूल्स और कानून और आईन की धज्जियां मत उड़ाएं और अपने सिस्टम में रह के काम करें। ये आपको गुजारिश कर रही थी, मीडिया को भी हम, आप दोस्तों को इसकी ये भी दे देते हैं, कॉपी भी दे देते हैं, और मेरी तरफ से तो यही गुजारिश आप थी। अच्छा सर, बैकडोर आपने कहा कि बैकडोर डिप्लोमेसी जब सियासी जमातों में भी बातचीत होती रहती है, किस हद तक यकीन है कि ये बातचीत किसी हल की तरफ भी जाएगी ताकि आउट ऑफ कोर्ट भी कुछ चीजें सेटल हो सके और सियासी कुवतें भी अपना कोई किरदार अदा कर सके, ना कि हर इशू को कोर्ट में ले जाया जाए? सियासत
पाकिस्तान कब इस काबिल होंगे कि अपने मामलात को बैकडोर डिप्लोमेसीज का जहां तक ताल्लुक है तो ये हर दौर में और हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, बट हमारा और हमारे मुखालफीन के नैरेटिव में इतना ज्यादा फर्क है कि चेयरमैन साहब ने यह कहा है कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। हां, अगर ये इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देते हैं कि हम इकट्ठे इलेक्शन में एंटर होते हैं, इलेक्शन आ जाएं, इलेक्शन को फेयर बनाने के लिए हमारी जमात जो है वो बिल्कुल तैयार बैठी है। मैंने यूं बिल्कुल नहीं कहा कि हम अपने मौकफ से पीछे हट रहे हैं, मैंने ये कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को क्या रुकावट है, उनके भाई जो हैं वो वजीर आजम पाकिस्तान है, उनका समझे भतीजा जो है वो वजीर आला पंजाब है, तो आए बिस्मिल्ला। मैंने ये कहा है कि वो भी अवाम में आए, अपना नैरेटिव बयान करें, हमारे चेयरमैन भी अपना नैरेटिव बयान करें और देखें अवाम जिसको चाहती है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ा होना चाहती है, वो राइट ऑफ वोट अवाम को इस्तेमाल करने दें। नहीं, मौकफ की तब्दीली इसको आप मत कहें, ये तो हमारा बहादराना और दलेराना फैसला है। हम तो ये चाह रहे हैं कि जिसको हसरत है वो इमरान खान के मुकाबले में आके हरदम मुकाबला करें। देखें, अल्टीमेटली फैसला तो अवाम ने करना है ना, अवाम ने करना है कि वोट किसको देना, तो इसमें मौकफ की तब्दीली तो नहीं है। आए बिस्मिल्लाह, अगर पाकिस्तान में वो आ सकते हैं, अपने केसेस को क्लियर कराते हैं, अदालतों से रिलीफ लें और आए, हम तो उनको ये दावत दे रहे हैं कि, और फिर सबसे बड़ी बात है उनके अपने भाई वजीर आजम पाकिस्तान है, अगर भाई उन चाहते हैं कि वो ना आए तो इसमें हमारा कसूर तो कोई नहीं है, हम तो ये चाहते हैं आए बिस्मिल्लाह मुकाबला करें। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी खबरें ये हैं कि लॉ मिनिस्ट्री के अंडर में जो है पंजाब को फिर दोबारा दिया, नहीं मेरे इस तरह ये बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी काम होगा और इंशाल्लाह वील फाइट फॉर इट, ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है और इस तरह हम नहीं होने देंगे, अगर उन्होंने कोशिश की तो हम इस तरह नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। देखें, ये उनका जाती फैसला है तो मैं तो इस पर कमेंट नहीं करूंगा, बट जो उनका मौकफ आ रहा है वो ये आ रहा है कि मुझे अश्योरेंस दी गई थी कि वहां सियासी तकरीरें नहीं होंगी, उनका मौकफ। बाकी अब ये उनका फेल है, मैं तो नहीं कहूंगा कि उनको जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, बट उनका अपना मौकफ ये आ रहा है कि मुझे वहां जाके एहसास हुआ कि ये तो सियासी तकरीरें कर रहे हैं। वजीर आजम आजाद कश्मीर को जो है नाहल करा दिया गया है, आप समझते हैं कि इस तरह के फ्यूचर में भी फैसले आ सकते हैं, जैसे वायलेशन हो रही है? देखें, अब जो वजीर आजम आजाद कश्मीर को नाहल करार दे दिया गया है तो वो भी अपनी जगह पे एक हकीकत है, कर तो दिया ना अदालतों ने फैसला, तो अब ये भी देखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स या डायरेक्शंस को नहीं मानते क्या उस उनके साथ भी वही सलूक होगा, तो ये बड़े ब्राइट चांसेस हैं कि इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू वेरी मच, और ये मोहसिन ये दे दें। ये ले लें।